then human beings are unisexual unisexual means एक individual के अंदर एक ही sex होगा यानी कि either वो male ही होगा या फिर वो female होती है और साथ ही साथ यहाँ एक और term आपने याद रखनी है कि जो human beings हैं they show sexual dimorphism ये भी word वैसे आपको plus one में समझाया हुआ है means di means two है ना morphologically separate individuals होते हैं जिनको कि उनकी मॉर्फोलॉजी यानी कि एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स के आधार पर ही हम बता सकते हैं कौन मेल है कौन फीमेल है सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म सबसे पहले अगर हम लोअर एनिमल्स की बात करें तो आपको बताया था एस्केरिस में देखने को मिलता है ना जो राउंड वॉर्म है उसमें मेल्स जो हैं वो थोड़े छोटे होते हैं और विद कर्व्ड एंड और फीमेल जो है वो लॉन्गर होती है ना सो so बाहर से देखने से अगर आप बता सकते हो तो उसको बोलते हैं सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म सो ह्यूमन बींग्स में जो भी रिप्रोडक्शन सेक्शल रिप्रोडक्शन के जितने भी इवेंट्स हैं उनको अगर हम सीरियल वाइज है ना रखें तो सबसे पहले आएगा गेमीटो जेनेसिज यानी कि गेमीट फॉर्मेशन है ना गेमीट्स बनते हैं पहले तो मेल गेमीट्स आर स्पर्म्स फीमेल गेमीट इज एग सेकेंड स्टेप होता है ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट उस प्रोसेस को बोलते हैं इनसेमिनेशन फिर जब वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में पहुंच जाते हैं मेल गैमेट्स तो फर्टिलाइजेशन होता है दैट इज़ फ्यूजन बिटवीन द टू गैमेट्स फर्टिलाइजेशन के बाद जयगोड बनता है और जाइगोड जो है वो यूट्रस में इम्प्लान्ट हो जाता है मतलब वहाँ पे फिक्स कर लेता है अपने आप को तो उसको बोलते हैं इम्प्लान्टशन और उसके बाद शुरू होती है एम्ब्रियो की डिवेलपमेंट उस जयगोड में से एम्ब्रियो बनता है जो कि नाइन मंथ्स लगभग नाइन मंथ्स के के लिए ये चलता है प्रोसेस उसको जेस्टेशन पीरियड कहते हैं और उसके बाद होता है चाइल्ड बर्थ जिसको बोलते हैं पार्चुएशन या डिलीवरी ऑफ द बेबी ये सारे इवेंट्स एक एक करके अब हमने अभी डिटेल में करने हैं तो अगर अभी आपको नहीं भी समझ आ रहा उतना तो कोई बात नहीं ठीक है लेकिन एक बार फिर से गेमीट्स बनेंगे पहले फिर ट्रांसफर ऑफ गेमीट्स होगा दैट इज़ इंसेमिनेशन फिर फर्टिलाइजेशन होती है फिर इम्प्लांटेशन यानी कि अटैचमेंट टू द यूट्रस देन डिवेलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो है ना एंड फाइनली डिलीवरी ऑफ द बेबी दैट इज पार्चन तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में दो ये दो वर्ड्स जो हैं ये भी आपने याद रखने हैं कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन किन को बोलेंगे हम और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन किसको बोलते हैं प्राइमरी वो होते हैं जो गेमीट फॉर्म करेंगे और साथ ही साथ जो हॉर्मोन्स भी बनाते हैं कहने का मतलब जैसे मेल्स में टेस्टस ठीक है टेस्टस जो है वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है क्योंकि उसी के अंदर स्पर्म्स भी बनते हैं और हॉर्मोन्स भी उसी तरह फीमेल्स की बात करें तो ओवरीज ओवरीज आर द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन उसके अलावा और जो भी हैं दे आर नोन एज सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन ठीक है उनका रोल रहता है रिप्रोडक्शन में लेकिन वो गेमीट्स नहीं प्रोड्यूस करते अभी आप देखोगे धीरे दे धीरे दे दे दे। सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल स्टार्टिंग विद द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है ह्यूमंस में इसका इसी साल बोर्ड में जो है डायग्राम आया हुआ है ठीक है उसमें था कि ड्रॉ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम तो उसमें आप ये साइड व्यू है ये भी ड्रॉ कर सकते हो और ये फ्रंट व्यू है तो ये भी कर सकते थे आप ऐसा उसमें पर्टिकुलरली नहीं पूछा था कि कौन सा व्यू है लेकिन इसी साल ही क्वेश्चन आया हुआ है तो आप इसको ध्यान से समझ लो साइड व्यू की बात करें अगर हम ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक तो अभी आपको बताया कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स जो हैं दे आर टेस्टिस तो या इससे पहले आप इसका फ्रंट व्यू देख लो टेस्टिस जो हैं दीज आर टू इन नंबर ठीक है राइट एंड कैन से एंड टेस्टिस में बनते हैं हमने कहा स्पॉम्स ठीक है इसके बाद स्पर्म्स यहाँ से देखो ट्रैवल होकर कहाँ जाते हैं ऊपर ये जो ट्यूब है दिस इज वास डिफरेंस इस तरफ भी है और इस वाली टेस्टिस से ये दो ही टेस्टिस हैं दो ही बास डिफरेंस भी हैं ठीक है ठीके? और ये दोनों ट्यूब्स कहाँ जा रही हैं ऊपर ये यूरिनरी ब्लैडर है तो इसके ऊपर से होती हुई ये ठीक है यहाँ आएंगी और जब ये दोनों ट्यूब आपस में मिल जाती हैं उसके साथ साथ यहाँ पर अगर आप ये देख पा रहे हैं दीज आर सेमिनिफेरस सॉरी सेमिन, सेमिनल वेसिकल एक इधर है एक इधर है ये भी पेयर में ही होती हैं तो सेमिनल वेसिकल्स की भी ओपनिंग यहाँ खुल जाती है इन्हीं ट्यूब्स में दोनों तरफ से जो वास डिफरेंस आ रहे हैं और एक कॉमन यहाँ पर डक्ट बन जाता है आप कह लीजिए ठीक है उसके बाद उसको इजैक्यूलेटरी डक्ट कहते हैं यहाँ वो नहीं शो कर रखा है लेकिन यहाँ पे आप देख लोगे उसको ठीक है जो कॉमन डक्ट बन जाता है उसको इजैक्यूलेटरी डक्ट कहते हैं और आगे वही फिर किस में एंटर हो जाएगा यूरथ्रा में ठीक है यूरेथ्रा एक ट्यूब है जो यूरिनरी ब्लेडर से आ रही है राइट उसी में ये वाला डक्ट भी एंटर हो जाता है कहने का मतलब है ये जो यूरथ्रा है ठीक है इसमें यूरिन यूरिन भी आता है यूरिनरी ब्लेडर से और यहाँ से टेस्टिस से जो स्पर्म्स आ रहे हैं वो भी इसी चैनल से आते हैं तो यूरिथ्रा दोनों के लिए कॉमन है फॉर यूरिन ऑल्सो एंड फॉर स्पर्म्स ऑल्सो एंड देन दिस यूरिथ्रा इट लीड्स थ्रू द पेनिस जो कि एक्सटर्नल ऑर्गन रहता है मेल्स में सो दिस इज़ यू कैन से द फ्रंट व्यू और इसी चीज़ को साइड व्यू में अगर आप समझने की कोशिश करो तो ये टेस्टिस है नेचुरली यहाँ साइड व्यू में एक ही दिखेगी दूसरी दूसरी तरफ है यहाँ से फिर ये ऊपर को जो जा रही है ट्यूब दिस इज द वास डिफरेंस ये देखिए और वास डिफरेंस ये यूरिनरी ब्लैडर है तो इसके ऊपर से और पीछे से होती हुई यहाँ से आ रही है ये वो है सेमिनल वेसिकल इसकी भी ओपनिंग हमने कहा इसी में खुल जाती है और दोनों मिल बन जाते हैं इजैक्यूलेट्री डक्ट और ये दोनों फिर आगे किस में खुलते हैं यूरेथ्रा में ये जो ट्यूब है दिस इज यूरथ्रा राइट तो इस यूरथ्रा में यूरिनरी ब्लैडर से यहाँ पे यूरिन भी आता है और साथ ही साथ ये जैक्यूलेट्री डक्ट से जो स्पर्म्स आ रहे हैं वो भी और ये बाहर पिनिस की जो टिप है यहाँ पे खुलता है इसको यूरथ्रल इस so और ऑरिफिस कहते हैं इस ओपनिंग को सो दिस इज़ द साइड व्यू और यहाँ पे और चीज़ें भी दिख रही हैं साइड व्यू में जैसे कि ये जो है रेक्टम यानी कि आपके एलिमेंट्री कैनाल का लास्ट हिस्सा जो होता है ठीक है डाइजेस्टिव सिस्टम का वो दिख रहा है ये और ये ओपनिंग है उसकी एनस और पीछे आप स्पाइन भी देख सकते हो जो उसकी लास्ट में वर्टिब्रे होते हैं ऑक्सीजल वर्टिब्रे वगैरह राइट सो so, ये एक तरह से इसका एज अ होल स्ट्रक्चर है थोड़ा सा आपके दिमाग में रहना चाहिए इसमें एक चीज़ और जो छूट गई है वो यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर है और उसके नीचे एक और आप ये जो देख रहे हो थोड़ा सा हार्ट शेप कह लो इसको या दिस इज प्रोस्टेट ग्लैंड ठीक है ये भी ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ही हिस्सा है लेकिन ये जो है जैसे हमने कहा ये सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स में आता है ठीक है प्राइमरी तो टेस्टिस ही है उसके अलावा बाकी जो भी स्ट्रक्चर्स हैं ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स हैं